मांगते हमें अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हमें अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते ए बीजी होश में आओ होश में आओ शिक्षा मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ योगी जी होश में आओ होश में आओ होश में आओ हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी करो जारी करो जारी करो जारी करो प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी करो जारी करो जारी करो जारी करो हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते योगी जी रहम करो रहम करो रहम करो योगी जी रहम करो रहम करो रहम करो शिक्षा मंत्री रहम करो रहम करो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो जारी करो जारी करो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो जारी करो जारी करो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो जारी करो जारी करो युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी योगी जी भर्ती दो भर्ती दो भर्ती दो 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो 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 97,000 नमस्कार लखनऊ के इको गार्डन में आज 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इसी ठंड में यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये लोग अपनी मांग प्रमुखता से जो मांगे इनकी मांग है वो यही कह रहे हैं अपने आप को कि सरकार हमको जो है प्राथमिक शिक्षक की भर्ती हमको जो है दिया जाए और इनके काफ़ी जो है बच्चे हैं लड़के हैं और लड़कियां भी हैं जो काफ़ी लोग जो है यहाँ सर्दी में इतनी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं जो काफ़ी लोग जो है परेशान हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है हमारी जितनी भी मांगे हैं वो सरकार हमारी मांगे करे। योगी सरकार से भी उनका जो है काफ़ी वास्ता रहा है लेकिन वो कहना चाह रहे हैं अपनी सरकार से और कह रहे हैं कि हमारी जो है काफ़ी मांगे जो है यहाँ ये लोग मांग जाएं लेकिन ये लोग मांगने की काफ़ी लोग जो है जो BTC जो कर चुके हैं और BTC करने के बावजूद इन लोगों को जो है कोई किसी तरह की जो है वो प्रोत्साहन या जो इन सब की जो है विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है और सरकार की तरफ से ये लोग भी सहा रहे हैं कि जो है कि हमारी जो है बातों को माना जाए और विज्ञापन निकाला जाए और ऐसा कि चुनावी माहौल है और 2022 का चुनाव भी सामने आ गया है कि यहाँ पे जो है काफ़ी लोग जो बैठे हुए हैं और देखिए यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे हमारे सहयोगी से कहेंगे कि ये जो है काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको भी दिखाएं जो सर्दियों में आके काफ़ी दूर दूर के जिलों से आए हुए हैं और इको गार्डन में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने शिक्षा मंत्री से और मुख्यमंत्री से भी ये कहना चाह रहे हैं वो कि हमको जो है सरकार हमें नियोजित करे और हमें जो है अपना उनका विज्ञापन निकाले। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जी आइए हम उनसे भी बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी प्रमुखता से क्या मांगे हैं। आपका बहुत बहुत नमस्कार हमारे हंगामा टाइम्स में और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन के लिए कह रहे हैं तो आपकी प्रमुखता से क्या मांगे हैं सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग है और प्रदेश सरकार के पास लाखों पद खाली हैं। सरकार स्वयं अपना सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में साफ साफ लिखित रूप से कह रही है 51,112 पद प्रदेश में रिक्त है। मगला जल्द ही भर्ती करेंगे और शिक्षा मित्रों को भी मौका देंगे, सबको मौका देंगे। लेकिन आज RTI के द्वारा भी 1,61,000 दे रहा है कि पद रिक्त है बेसिक में और 2,41,000 करीब UNSA ने भी रिसर्च में बताया पद रिक्त हैं। लेकिन हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री महोदय इन्होंने बताया है कि बच्चे और शिक्षकों के बीच में शिक्षकों का पद ज़्यादा हो चुका है। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके घर में अगर कोई चोर घुस जाए तो कैसे आपको पता नहीं चला? आज कैसे आप अनुपात समानुपात पढ़ा रहे हैं? आज बच्चे और शिक्षकों के अनुपात में आप शिक्षकों की संख्या ज़्यादा बता दिए तो ये कैसे हुआ? अगर आपको दूसरा बयान उन्होंने ये दिया कि बच्चों को शिक्षकों का शिक्षक भर्ती देना बच्चों का खेल नहीं है तो हम कहते बंद करो एटेड सीटेड का खेल, हम किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे। आज 3 साल से प्रदेश सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, भाजपा कार्यालय, विधानसभा, शिक्षा मंत्री आवास, अभी कल ही हम शिक्षा मंत्री आवास घेरा गया, वहाँ से प्रशासन द्वारा जबरन उठा करके इको गार्डन छोड़ दिया गया, प्रशासन द्वारा तानाशाही रुख अख्तियार किया जा रहा है।
शिक्षा मंत्री ये भी कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हम जो है शिक्षकों की भर्ती के लिए पूरी चीज़ देख रहे हैं और ये भी हम कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में वो निकाले पदों की संख्या जो है इतनी ज़्यादा है। लेकिन अब ये है कि अब आगे विधानसभा चुनाव भी आने वाला है तो उसके परिप्रेक्ष्य में क्या कहें। अरे विधानसभा का चुनाव आने वाला, आचार संहिता लगने वाली है, एक कमेटी गठित की गई है, उस कमेटी को गठित करने ढूंढवाने के लिए भी एक कमेटी गठित करना पड़ेगा। आज इन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को आंकड़े के लिए एक टीम गठित की है, एक कमेटी गठित की है, उस न कमेटी का तब पता है। ऐसा लगता है कि ये लोग मतलब कि खाली झोल झाल फैला रहे हैं। अरे झोल झोल तो आज हम 3-4 साल झेल ही रहे हैं, ये झोल झाल करके अगला चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो हम सब अध्यापक हैं, हम सब एक भारत निर्माण करता है। सर हम कहना चाहते हैं कि सरकार हमें भर्ती दे, हम बहुत बेरोजगार गरीब परिवार से हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं हम वो तानाशाही झेल रहे हैं। हमको पैसा, अब जरूरत है हमारे परिवार को हमारा, कि जिस मकसद से हमको पढ़ाए हैं, प्रशिक्षण लिए हैं, तीन यहाँ बाहर रह के हम लोग पढ़ते हैं, इतना महंगा रूम लेके रहते हैं। अब घर ये भी कह रहे थे कि हम BTC वालों को जो है, छात्रों को जो है सब देंगे, नियोजित करेंगे उनको, जो है समायोजन करेंगे। कब करेगी, अब चुनाव आ गया है, समय बहुत कम है, वो अपनी कोई आश्वासन नहीं दे। देखिए आश्वासन जो है आज पिछले 3 वर्षों से हम लोग देखते चले आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वो इस पर हम लोग BTC प्रशिक्षित हैं, जी हम लोग BTC प्रशिक्षित हैं, प्लस में हम लोगों के पास पात्रता परीक्षा भी है और हम लोग की संख्या जो 21 लाख है। आप ये बताइए सरकार जो खेल खेल खेलती है वो किस पे खेलती है, वोट बैंक पे खेलती है। अगर हमारे पास 21 लाख है उसमें उनका परिवार भी है, अगर हम मोटा आंकड़ा जोड़ें तो हमारे पास 1 करोड़ का वोट बैंक है कि नहीं। अगर उत्तर प्रदेश की संख्या तो मतलब आपको लग रहा है कि जो ये युवाओं के साथ जो है ये छलावा ये करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है। और हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग 21 लाख हैं, यदि हमारी बात परिवार जुड़ा 21 लाख के साथ परिवार भी जुड़ा हुआ है, इनके साथ इनके विपरीत भी आप जा सकते हैं, इनके विपरीत पूरी तरह से जाएंगे। और यहाँ तक कि गांव से लेकर के हर गांव में एक एक घर में जा करके इनकी जो भी ये इतना गुमराह किए हैं, बेरोजगारों को हम जैसे युवाओं के 3-3 साल 4-4 साल युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। विपरीत जाने के लिए मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मैंने सपोर्ट किया, मैं आगे भी करूंगा। लेकिन जब पिछले बार तो सब लोगों ने BJP को जिताया, बिल्कुल हम ही लोगों ने तो जिताया, तो हम ही लोग आगे भी सपोर्ट करेंगे। मैं आपको बताऊं, अगर प्रदेश सरकार चाहती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बने, योगी जी तो तुरंत फैसला लेते हैं ना हर चीज लेने में है। ठीक है, अगर रूपरेखा कुछ तैयार थी तो हम लोगों को वो बताना तो चाहिए। हमारे घर में एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, उसकी भी रूपरेखा हम 6 महीने बनाते हैं। आज इतनी बड़ी भर्ती का इतना बड़ा बजट होगा उसका कुछ अता ही पता नहीं है। क्या इनको सत्ता से बाहर जाना है? नहीं, सत्ता की क्या मतलब कि मंशा ये है कि ये नहीं चाहते हैं कि जो है बिल्कुल भर्ती। मैं खुले मन से कहता हूँ उनकी मंशा बिल्कुल नहीं है, सरकार की मंशा नहीं है। सरकार ने आज के 3-4 महीने पहले से इनकी कमेटी बनी है, वो गायब है। सरकार तो ये भी कहती है कि जो है हमारी सोच ईमानदार है और ये सब बाजी बताती है। काम कहते हैं सोच दमदार है, वही तो सोच है ना, कि जो हमको सबको 3 साल से जलाया और आगामी 4 साल जला दे, वही तो सोच ईमानदार काम दमदार, जो जितना उल्लू बना दे वही उतना मजबूती से समझदार है। खिलवाड़ सिर्फ खाली युवाओं के साथ हो रहा है, युवाओं के साथ ये सोच रहे हैं। युवा मूर्ख है तो युवा मूर्ख नहीं है, 2022 में बताएंगे हम कितने बड़े मूर्ख है। 2022 अगर जिस प्रकार से हमें बेरोजगार किया गया है उसी प्रकार 2022 में इनकी कुर्सी छीन कर इनको बेरोजगार का काम करेंगे अगर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आता है तो। शिक्षा मंत्री तो बार बार कहते हैं कि हम भाई युवाओं के साथ हैं या लोगों को। अरे शिक्षा मंत्री युवाओं के साथ नहीं है, उनको टाफी मंत्री, पुलिया मंत्री, खड़ंजा मंत्री बनना है, उनको ढोलक बजाना है, उनको जमीन हड़पना है। दुर्भाग्य है कि हमको ऐसे शिक्षा मंत्री मिले हैं जो शिक्षा के अलावा सब काम करते हैं। खड़ंजा का उद्घाटन, जो प्रधान एक ट्यूबलाइट लगा था उसका उद्घाटन, उनके आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, शिक्षा के अलावा और सब काम करते हैं। जो युवा उनके फेसबुक पे ट्विटर पे जवाब करता है उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं, इस तरह हमारे शिक्षा मंत्री महोदय हैं। और एक चीज ये भी है, अगर शिक्षक भर्ती 97,000 नहीं दी गई तो जितने हमारे 21 लाख लोग हैं प्रशिक्षित हैं
तभी 21 लाख लोग इसमें टेट में फार्म भरे हैं और सब अपने गांव परिवार में जो है भाजपा के नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। सीधी बात हमारे लोग की ही रहेगी। नहीं, कहा कि हमने जो है 4.5 लाख लोगों को जो है भर्ती दी है, कुछ नहीं दिया, केवल गुमराह किया जा रहा है। 4 लाख भर्ती केवल पेपरों में जुमलाबाजी वाला काम कर रहे हैं। आज 68,569 भर्ती का जो है विज्ञापन बताते हैं, मैं विज्ञापन दिया हूँ, एक अंधा लूला अनपढ़ गंवार भी मुख्यमंत्री बनता तो वो भर्ती निकालना पड़ता, क्योंकि शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ है। 59,000 वालों को भी तो अभी भर्ती किया, 69,000 भर्ती थोड़ी किया है, वो शिक्षा मित्रों का समायोजन है। वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उस मामले में समायोजन हुआ है। वो रिक्त पद नहीं, रिक्त पद तो अब भरेंगे, जो हम मांग 3 साल से लड़ रहे हैं। 4 साल से कोई रिक्त पद भरे नहीं गए, ये सब शिक्षा मित्रों के रिटायरमेंट वही भरेंगे। नए पद कोई नहीं आए, ये सब वही तो पिछला है। ये वालों को कोई पद नहीं, हम लोग हमने हमारा 17-19 बैच है, तब से 19-20-21-22 हम ये तब से बैठे हैं। अगर इन्होंने अपने इलेक्शन से पहले भर्ती नहीं दिया तो इनका खमाजा भुगतना पड़ेगा। हम नहीं, वर्ल्ड बैंक भी काफी फंड यहाँ पे खर्चा करती है प्राथमिक विद्यालयों के लिए, है ना? ये मतलब बजट आता है इनका बहुत ही भयानक और सब चीजें होते हैं। वर्ल्ड बैंक से ये लोग पैसा लेते हैं, विश्व बैंक भी इनको काफी पैसा देता है और सब कुछ। हाँ, तो केंद्र सरकार भी देती है इनको फंड देती है, तो क्या कारण रहता है ये लोग भर्ती नहीं करते? बजट जो जहाँ लगाते हैं, अभी मैं हाल फिलहाल में दिल्ली गया था तो वहाँ पे इनका नूरानी चेहरा हंसता हुआ दिखता है, पोस्टर लगवाया है वहाँ पे कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश। यहाँ आके पूछे ना उत्तम प्रदेश कैसा बनाया है, तो उनको पता चल जाएगा कैसे उत्तम प्रदेश होता है। वहाँ जाके पोस्टर लगवा रहे हैं ना दिल्ली में। विगत जितने भी जो है प्रदेश का, हम लोग भी देखते रहते हैं कि पेपरों में या और मीडिया में ये भी खबर आती है कि भाई देखिए विश्व बैंक जो है इसकी प्राथमिक शिक्षकों के लिए काफी मोटा बजट आपको जो है देती है ना? तो इनका क्या कारण रहता है कि ये भर्ती नहीं करते हैं? भाई उसे उनसे तो पैसा लेके आ गए आप, बस कार्यालय बनाया गया उस बजट का, जाके आज के उसका नया संसद बनाया जाता है, उसका नया विधानसभा बनाया जाता है। कार्यालय आप देख लिए होंगे और आज देखिए क्या हाल पूरा जो है कि फंडिंग जो है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो फंड आता है बाहर से विदेशों से जो चीज है, तो ये मतलब कि अपने बीजेपी अपना कार्यक्रम के लिए, बिल्कुल अपना कार्यक्रम के लिए। हम लोगों को जो है कि फॉर्म भरवाती है 500 रुपए का, पहले रेलवे का फॉर्म होता था, हम ही लोगों से कमा रही है और हम ही लोगों से सब चीज कर रही है, फॉर्चूनर में तेल भरवा रही है हम ही लोगों के पैसे से। नहीं, अब महंगाई भी तो इतना इन्होंने बढ़ा दिया है। देखिए महंगाई बढ़ा दिया, उससे तो पूरी तरह तरह जनता कर ही रही है, वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन मेरा जो मुद्दा है मैं अपने मुद्दे पर व्यक्तिगत यहाँ लड़ने आया हूँ। वो भी तो लोगों को जो है काफी, हमें भी सता रही है, ठीक है? वो तो प्रत्येक व्यक्ति की जन जन की आवाज है, पूरे भारत वर्ष की आवाज है कि महंगाई उनको सता रही, वो परेशान है। लेकिन मैं जिस चीज के लिए यहाँ लड़ने आया हूँ, मैं फिर से आग्रह मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूँ कि अभी भी जो शेष समय चंद दिन बचा है उसमें जाग जाइए, और विनम्र आग्रह है कि हम लोग की बताइए शासन प्रशासन से कोई नहीं आपके पास नहीं, 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 कोई, मतलब कोई बात वार्ता नहीं, करने नहीं, या वार्ता, कोई वार्ता, शासन प्रशासन रहता किसका, जो सत्ता पक्ष में सरकार है उसी का ना रहता है। मतलब योगी जी के जैसे शिक्षा मंत्री के जैसे आप लोगों ने इतना धरना दिया या घेराव किया, तो उसके लोग आपसे कोई मेन काम नहीं है। जैसे हम लोग SCRT में थे तो प्रशासन पहुंचा वहाँ तानाशाही रवैये से हम लोगों को उठा कर लाकर यहाँ कर। कल हम रजत भाई जितने भी लोग थे सब लोग गए शिक्षा मंत्री के घर का आवास घेराव करने, तो वहाँ से भी प्रशासन ने जबरदस्ती तानाशाही रवैये से खींच करके हम लोग ला करके फिर यहाँ छोड़ दी भैंस बकरी की तरह। तो ये प्रशासन चाह रहा है कि आप युवाओं को जो है बायकॉट कर रहे हैं, पूरी तरह से बायकॉट कर रहे हैं युवाओं को और प्रशासन के दम पे। ये कितनी वैसे संख्या है हमारे लोगों की, संख्या 21 लाख है और 21 लाख परिवार जुड़े हैं उनको। चलिए, हाँ कुछ हमारे साथ युवा और भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक यादव नाम है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप? सर यही कहना चाहते हैं कि लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं पिछले जून से और लगातार ही कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही हमारी बातों को। नहीं मतलब सरकार क्या गूंगी बहरी हो गई है क्या? बिल्कुल हो गई गूंगी बहरी, तभी तो हम युवाओं की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। तो अगर आने वाले चुनाव में हम लोग उनको बता देंगे कि आप जो हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, जैसे हम बेरोजगार हैं वैसे आने वाले 22 चुनाव में आप लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे हमेशा के लिए। अच्छा, चलिए धन्यवाद आपका। ऐसे भी ये भी लोग हैं कि जिन लोगों ने जो बताया कि इसके बारे में कि 97,000 प्राथमिक शिक्षक की भर्ती का जो मुद्दा है वो बहुत ही अहम है और ये सरकार से लगातार अपनी मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो है हमारे विज्ञापन निकाला जाए और हमें समायोजित किया जाए। सहयोगी
मोहित के साथ मैं गुरजीत जायसवाल।